रे। बचपन है बीत गया, कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के क्लास में खूब मस्ती चल रही थी। अलकनंदा मैडम का फोन आया। मैं उन्हें प्रपोज करने के लिए फैंटेसाइज करने लगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अलकनंदा मैडम जब वापस आई तो वो थोड़ी सी खोई और उदास लग रही थी। आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद अब किरण पहले से बेटर है। होली का दिन, and I was stressed for the occasion. अलकनंदा मैडम के यहाँ पहली बार जा रहा हूँ, आप लोग नीट एंड टाइडी ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उनका तो कुछ और ही प्लान था। अटैक! एंड देयर वी वर, फेस टू फेस, मैन टू मैन, एंड यू नो व्हाट, आई एम बेटर। आर वी ऑल हियर? खूब नाच गाना हुआ। मैम थककर बैठ गई। आज आप बहुत खूबसूरत हैं। अपनी दिल की बात मैं कहने ही वाला था कि कबाब में हड्डी आ टपका। जॉन, आई थिंक इट्स योर लकी डे मैन। मुझे लगा उनके बीच लड़ाई हो रही थी। मैं चुपचाप उनके करीब पहुंचा, एंड व्हाट आई हर्ड शॉक्ड मी। यू कैन हैव एन अबॉर्शन। क्या मजा है ना होली में? हाँ यार, मिनी सर और चतुर्रूप सर कितना मजा ले रहे थे। क्या फाइडू मजा आया यार। क्या हर होली में ऐसा ही होता है यहाँ पे? ऑफ कोर्स, क्या तुम्हारे अपनी आंखों से देखा। जब अलकनंदा मैडम गार्डन के दूसरी तरफ जाके बैठी ना, तो विशाल सर भी वहाँ पे गए थे। अबे घोचू, विशाल सर कब से हो गया? रिस्पेक्ट मोटे, क्या तू जॉन से दुश्मनी लेगा? देख जॉन, तेरे राइवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर क्या हुआ मेहुल? अरे बताओ बताओ यार, ऐसे गॉसिप आधी सुना के छोड़ा मत करो। गॉसिप का मजा तो तब आता है जब पूरी सुनने को मिले। क्यों मेहुल, चल सुना आगे। गॉसिप मांगे? हाँ, सुनना है कि नहीं सुनना है? फिर दोनों बातें कर रहे थे। वो होल्डिंग हैंड्स। हाँ, स्नीकी मेहुल। पता नहीं यार, आर्गुमेंट शुरू हो गई। वो जोर जोर से बातें कर रहे थे वो दोनों। रमेश यार, नहीं सच्ची, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं सुन पाया। बस इतना ही यार। मैंने इतना ही देखा तो मैं क्या करूं? अरे ये तो गुड न्यूज है। क्यों जॉन, लगता अपने जॉन का रास्ता भी साफ होने वाला है। अरे जॉन कम बैक यार, एलिमिनेटिंग विशाल प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। जॉन कम बैक। ए जॉन कम बैक। जॉन, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। ये तुम्हें मैं क्या बता सकती हूँ विशाल, मैं तो बस यही बता सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और अगर मैं वो नहीं करना चाहता तो? बात वहीं पर आकर रुक जाती है ना। अब तक हमने ये नहीं सोचा कि हम इसके बारे में क्या करना चाहते हैं। हम का जिक्र अब तक किसी ने नहीं किया ना। इंडिविजुअल चॉइस स्ट्रांग बहुत होती है, लेकिन हमेशा आसान नहीं। देखो अलग, आज तक हमारे रिश्ते में कोई रुकावट, कोई दरार नहीं आई अब तक। क्या अब तक हमारे रिश्ते में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी विशाल, कोई खामी नहीं थी। लेकिन अब तुम क्या कहना चाहते हो कि अब कमी आ गई है? बात पहले जैसे नहीं रही अलग। इसलिए कि हमारा रिश्ता साधारण रिश्तों से आगे बढ़ चला है ना। रिश्तों को हम भले समझ सकते हो, लेकिन उन्हें हरदम कंट्रोल नहीं कर सकते विशाल। वो अपने ही पेस पे चलता है, और उसे साथ रखने के लिए हमें उसके साथ कदम मिलाना होगा। देखो, शादी और बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। I'm just not ready for it. Then I have news for you, Vishal. You had better get ready for this. क्योंकि बात discussion और argument से आगे बढ़ चुकी है. I'm telling you for the last time. I'm pregnant. God damn it. And I'm also telling you for the last time.
छोड़ दो प्लीज। देखो हम दोनों मिलके ये प्रॉब्लम आनी नाम सॉरी ये प्रेगनेंसी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके लेट्स जस्ट स्टे विद ईच अदर फॉर सम टाइम। जो कहना चाहते हो साफ साफ क्यों नहीं कहते? अरे कह तो रहा हूं। मैं शादी नहीं करना चाहता और तुम्हें खोना भी नहीं चाहता अलग। प्लीज अलग देखो हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता है। इस वक्त मैरिज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके अच्छा हुआ कि तुमने अपना फैसला सुना दिया। अब मेरा भी फैसला सुन लो। I want this baby. अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो then fine. You can be a father to this baby. और अगर नहीं then I'm sorry. अलग please. विशाल मल्होत्रा you decide what you want to do. लेकिन मेरा फैसला बदलने की कोशिश तुम मत करना प्लीज। I am going to have this baby with or without you. आठ हफ्ते हो गए हैं। Everything is just fine. Nothing to worry about. डॉक्टर ये मॉर्निंग सिकनेस कब तक रहेगी? वो तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे सकती हूँ। बट आई एडवाइज अगेंस्ट इट। और आपने जिन टेस्ट के बारे में कहा था वो कब तक कर लेना चाहिए? वो तो रूटीन टेस्ट है, जितने जल्दी कर लो अच्छा है। कम यू आर लुकिंग गुड। हाउ आर यू फीलिंग? गुड एक्सलेंट। यू मस्ट रिमेंबर टू टेक योर विटामिंस ऑन टाइम। ओके और बाय द वे यहाँ गलती से ना आपने अपना नाम मिस लिखा है। नो दैट्स स्टिल माय नेम। ओके नहीं कुछ नहीं। बट यू मस्ट टेल योर फियांसे कि पेरेंट बनने की तैयारी अभी उन्हें भी जल्दी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद उनको यहाँ आना चाहिए आपके साथ आपके अपॉइंटमेंट के लिए। एक्सरसाइज और वर्कआउट क्लास भी उन्हें अटेंड करनी चाहिए। इन दिस वे ही विल फील अटैच्ड टू हिज बेबी एंड ही हिमसेल्फ विल नॉट फील निग्लेक्टेड। और जब तक आपके डिलीवरी का टाइम आ जाता है ना ही विल फील कॉन्फिडेंट इनफ टू बी देयर एंड हेल्प यू ड्यूरिंग योर डिलीवरी। डॉक्टर प्रेगनेंसी विजिबल कब होगी? इट ऑल डिपेंड्स रियली। किसी में जल्दी तो किसी में देर से। लेकिन आपको फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कंडीशन तो बहुत अच्छी है। वेरी हेल्दी एंड वेरी स्टेबल एंड नो कॉम्प्लिकेशंस। सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। ओके थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। आई सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम। ऑल द बेस्ट। मिसेस सुनीला कोयलो। हेलो डॉक्टर। हाय सुनीला कैसी हो तुम? आई एम वेरी फाइन थैंक यू डॉक्टर। अभी अभी जो बाहर गई वो अलकनंदा बरुआ ही है ना? हाँ हाँ तुम जानती हो उसे? हाँ मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा शी इज फेवरेट टीचर। फिजिक्स पढ़ाती है। आई बिलीव शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन स्कूल। अच्छा दैट्स नाइस। वैसे वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट देयर इज गुड न्यूज। शी इज गोइंग टू बिकम अ मदर वेरी सून। एंड हाउ इज योर बेबी डूइंग टुडे? ओह वेरी वेल किकिंग क्वाइट अ लॉट। दैट्स अ गुड साइन। इनफैक्ट नाउ यू कैन स्टार्ट शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशन विद अलकनंदा। आई एम श्योर वो एक अच्छी टीचर होने के अलावा एक अच्छी माँ भी बनेगी। हेलो। हाय रितु। ओह हेलो। यू नो आज मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ गई थी। हाँ पता है किसको देखा मैंने वहाँ पे? अलकनंदा बरुआ। शी इज प्रेग्नेंट। या क्या अलकनंदा? या बिलीव मी शी इज प्रेग्नेंट। और उसकी शादी भी नहीं हुई अब तक। आई डोंट नो हमारे बच्चों पर क्या असर होगा ये। दिस इज बैड न्यूज।
थैंक यू। राहुल। हाँ मैडम, अलकनंद आई है कि नहीं जरा देखो तो। हाँ मैडम, वो बाहर ही है बच्चों के साथ, जरा बुला लो। हाँ। May I come in, ma'am? Please, please come in. कैसी हो? आओ बैठो। मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आपको पता है? कुछ पेरेंट्स ने अभी फोन किए। अजीब सी बात है ना मैम, एक औरत की जिंदगी में सीक्रेट और सीक्रेट में ज्यादा फर्क ही नहीं रहता, लोग तो बातें ही करते रहते हैं। जब तक सीक्रेट सीक्रेट है, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मे बी यू आर राइट। विशाल कैसा है? आप भी दूसरों की तरह गेस करने की कोशिश कर रही हैं? नो, नॉट एट ऑल। मैं तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ बनना हर औरत के लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन इस खुशी में कुछ कसर रह गई है विशाल। ना तो वो शादी करना चाहता है और ना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। तो तुमने क्या फैसला किया? आई वॉन्ट टू कीप दिस बेबी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। She's actually a girl. Hey guys, कुछ सुना? क्या? अरे अपने अलकनंदा मैडम के बारे में यार। नहीं तो? Dumbo, the whole world is talking about it. रिशिता, तुम कभी सीधी बात नहीं कह सकती। सुनाने के पहले मुझे confused कर देती। My mom was telling me she's gonna have a baby. What do you mean? अरे she's pregnant. और उनके अभी तक शादी नहीं हुई। Is that something? I don't know यार। रिशिता, क्या तुम कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकती हो? जब देखो तब गॉसिप करती रहती हो। Just grow up यार। John, whatever. So, मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Do I have a choice? No. Okay. पूछिए. Sir, कभी-कभी ज़िंदगी इतनी difficult क्यों हो जाती है sir? सबकी अलग-अलग वजहें हो सकती हैं. क्यों? Sir, वो let it be, sir. How's your drink? Okay. उसे पूरा पियेंगे? हाँ। क्यों? सर, क्योंकि हमें पीना है, आपने इसके पैसे दिए, खरीदा हमने सर। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आप ये ऑरेंज वाला क्यों पीना चाहते हैं? ये क्यों नहीं पीना चाहते? सर, इट्स माय चॉइस। आहा, ओके। व्हाट? नथिंग। सी जॉन, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग दोज चॉइसेस। फैसला करना, उन पे अमल करना, अपने सिद्धांतों पे अड़े रहना। सिर्फ सुख और आनंद का ही नाम जिंदगी नहीं, दुख, निराशा, मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग, जेलसी, हेट्रेड, इन सब का नाम भी जिंदगी। एंड इट्स फाइन, यू लर्न, यू मूव अहेड, यू स्माइल। डू यू स्माइल? ओके सर, दैट्स ग्रेट सर। शैल आई गो सर? पर जब होने वाला पति नालायक निकले तो कोई क्या करेगा? होने वाला पति? लेकिन मैंने तो सुना था बॉयफ्रेंड है। आजकल बॉयफ्रेंड वही तो होता है सर, होने वाला पति। भाई मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई तो तब है सर जब बॉयफ्रेंड पति नहीं बनना चाहता और गर्लफ्रेंड पत्नी बनना चाहती है, माँ बनना चाहती है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, काफी कुछ कंफ्यूजिंग है ये सब। समझने की क्या बात है सर, बिल्कुल सीधी बात है। वो पहले जमाने में नहीं कहते थे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे आजकल के जमाने में जब लड़का लड़की शादी के लिए नहीं राजी तो कैसा पंडित कैसा काजी। मैडम, इन सब मामलों के बारे में आप काफी कुछ जानती है। क्या बात है, कहीं आपने भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली शादी तो नहीं की ना? सर देखिए, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक नहीं है। जरा आपने बालों की सफेदी का तो ख्याल कीजिए सर। वैसे मुझे लगता है कि आपने ही वैसा निकाह किया होगा। माँ कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? हाय मॉम, हाउ आर यू डूइंग? अरे क्या कर रहे हो?
मॉम शी किट। बड़े होकर बिल्कुल मेरी तरह बनना ओके, वी ट्रबल मॉम लॉट। मुझे बहुत भूख लगी है, गिव मी सम मीट। अरे बाय द वे, आर यू ओके? व्हाई आर यू सो वार्म? यू ऑल राइट ना जॉन? मैं बीमार नहीं हूं, आई एम प्रेग्नेंट माय डियर, आई एम जस्ट टायर्ड। आई एम श्योर इट्स अ गर्ल, गर्ल्स टायर यू अ लॉट। अच्छा, जब तुम होने वाले थे तुम भी मुझे बहुत थकाते थे। व्हाट रबिश, मैं तो इतना शरीफ था। अच्छा तो अब क्यों बदमाश हो गए? माँ तुम इतनी थक जाती हो दिन भर, इसको भी प्रॉब्लम ना? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है। माँ बनना आसान नहीं है। माँ बनने में बहुत सुख है, बहुत प्यार है। इट्स द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर एनी वुमन। शायद इसलिए अलकनंदा मैडम भी माँ बनना चाहती है। तुम्हारे अलकनंदा मैडम की बात ही कुछ अलग है। माँ बनने के लिए शादी करनी पड़ती है, बच्चे ऐसे ही नहीं आते दुनिया में। जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसे ही नहीं। माँ क्या उनके मॉम बनने में कोई जिम्मेदारियां नहीं है? तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि कितनी साहस की जरूरत होती है। माँ बनने में कोई साहस नहीं, साहस दुनिया के अनुसार चलने में है, अपने वैल्यूज कल्चर को सम्मान देने में है। अरे वो वैल्यूज और कल्चर्स और ट्रेडिशन किस काम के जो आपको मजबूर कर देते हैं वो काम करने के लिए, व्हिच यू रियली डोंट वांट टू डू। मुझे तो लगता है कि ये लोग ये ट्रेडिशन और ये कल्चर सिर्फ दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। कुछ भी बकता रहता है अनाप शनाप, अलकनंदा मैडम के बारे में कोई कुछ कहे बस लड़ने के लिए तैयार। दैट्स नॉट करेक्ट ओके, जो सच है वो सच है। तुम्हें क्या मालूम क्या सच है? मुझे सब मालूम है, आई एम अ ग्रोन अप नाउ, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस। मालूम है, बहुत बड़े हो गए हो। Mom, come on. I'm getting out of here. देखिए ये बहुत शर्म की बात है, हम अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं एक प्रेस्टीजियस स्कूल समझकर, और जब टीचर का ही कैरेक्टर लूज है तो बच्चे क्या सीखेंगे स्कूल में? उनका मन बहुत नाजुक होता है, और फिर ये कोई मामूली बात तो नहीं, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, उसमें कोई डिबेट है ही नहीं, उसे बाहर निकालिए। उसे तो स्कूल से निकालना ही होगा। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, कि मैं भी समझती हूँ ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि बातचीत करके इस समस्या का हल निकाल सके। इस समस्या का हल तभी निकलेगा जब वो टीचर यहाँ से निकलेंगे। क्यों मिसेस चौधरी? ऐसी टीचर का तो स्कूल में रहना बहुत ही शर्मनाक बात है, उसे तो स्कूल से निकालना ही होगा। आई एम सॉरी, लेकिन जिस टीचर की बात आप कर रही हैं वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि स्टेट की सबसे क्वालिफाइड फिजिक्स टीचर। उनके क्वालिफिकेशंस फिजिक्स के अलावा भी बहुत कुछ होगी। मैडम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ एक सभ्य समाज के नागरिक की तरह बातचीत करने आए हैं, किसी पर कीचड़ उछालने नहीं आए हैं। हम लोग टीचर के अलावा इंसान भी है और इंसानी कमजोरी स्वाभाविक है। आई एम सॉरी, ये कमजोरी नहीं नीचापन है, औरत के नाम पे एक धब्बा है। देखिए मैं भी एक औरत हूँ, आप एक औरत होकर ये अच्छी तरह से समझ सकती है कि इस बात में कितनी गंभीरता है। आप भी एक माँ है, एक माँ की गरिमा और डिग्निटी कितनी अहम है, ये अपने आप में कितनी गर्व की बात है। तो ठीक है, लेकिन समाज के भी अपने कुछ नियम होते हैं, वो चाहे तो शादी कर सकती है या फिर मेडिकल हेल्प ले सकती है। किस समाज के नियम की बात कर रहे हैं आप? वो समाज जो मर्दों का समाज है, वो समाज जहाँ औरतें अभी भी माइनॉरिटी समझी जाती हैं, और हमें ही देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ। We strong men are trying to decide a woman's fate. हम भी समाज के एक अंग हैं। I'm sorry, लेकिन हमारे समाज में अभी भी हर मर्द ये हक समझता है कि औरतों के बारे में फैसला करने का फर्ज बस उसे ही। अवहेलना। I agree with Mr. George. हम ये बात क्यों इग्नोर करते हैं कि हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर और उसके सिस्टम में कितनी खामियां हैं? In my opinion, we are the most discriminating society. Equality हमारे सिस्टम में है ही नहीं। ये आपके सिर्फ फिलॉसफी है मिस्टर जोशी, फिलॉसफी और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, वो यहाँ की हेड गर्ल, मैं उसका बाप, एक सिंगल पेरेंट हूँ। बिन माँ के बच्चे को अकेले पालने में मैंने क्या कुछ नहीं सीखा। माँ बनना आसान नहीं है, और जो इस ममता की ताकत रखता है उसे साहस देने के बजाय हम उसे डीमोरलाइज कर रहे हैं। I mean, this is extremely unfair.
मैं तो कहूंगा कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। ये अब सिर्फ एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि दो जानों के जिम्मेदारी की बात है। आई थिंक वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए बात सिंपल सी है, प्रेगनेंसी विदाउट मैरिज ना तो हमारा समाज स्वीकार करता है, ना हमारी संस्कृति और ना ही हमारा लॉ। As far as we are concerned, it's a simple open and shut. किस लॉ में ये लिखा है कि अगर एक औरत अपनी मर्जी से माँ बनना चाहे तो वो गैर कानूनी है? देखिए आप हमें कानून मत सिखाइए, मैं यहाँ के लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सब। प्लीज हम यहाँ मसले को हल करने आए हैं, उसे बिगाड़ कर और उलझाने नहीं। मैं किसी भी टीचर के एक्सपेंशन का फैसला इतनी आसानी से नहीं कर सकती। हमें इस मसले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रखना होगा। अगले मंडे को हमारी स्पेशल मीटिंग इसी बात को लेकर होगी, तब तक हम सबको सबर से काम लेना होगा। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, द मीटिंग इज ओवर नाउ। देखिए हम लोगों को ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। आप घर जा रहे हैं? थैंक यू मिस्टर जोशी, आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे स्कूल के लिए चाहिए। नो वेलकम, मैं तो सिर्फ आधा पेरेंट हूँ, बाकी का काम तो आपने स्कूल में किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय डॉटर एंड द स्कूल दैट शी अटेंड्स। मस्ती के।